मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि जिस तरीके से ऑपरेशन शीश महल के तहत अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हुए हैं, जिस तरीके से कई सारी बड़ी बातें सामने आई है, अब इसी मुद्दे को जो है आपको बता दें कि सुधीर चौधरी द्वारा उठाया गया है और उन्होंने अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो में इसका जिक्र करते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल को अपने बंगले की मुंह दिखाई करनी चाहिए, अपने बंगले की मुंह दिखाई अब उनकी करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि न्यूज एंड नेशन द्वारा एक वीडियो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो चलाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल पर जो है मुद्दे को लेकर, जबकि वो वीडियो साफ तौर पर पहले से रिकॉर्डेड है या फिर एक एजेंडा और प्रोपेगेंडा से प्रेरित करके रिकॉर्ड किया गया है। अब ऐसे में पूरा माजरा क्या है, क्या कुछ सुधीर चौधरी द्वारा कहा गया है, विस्तार से जान लेते हैं। तो बता दें आपको कि पत्रकार सुधीर चौधरी, जो कि अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं, काफ़ी मशहूर है इस मामले को लेकर, उन्होंने भी अब अरविंद केजरीवाल के मुद्दे को उठाया है। और मुद्दा क्या है, 45 करोड़ के बंगले का जो रेनोवेशन है वो उसका मुद्दा है। सुधीर चौधरी ने इसके बारे में कहा कि अब अरविंद केजरीवाल के बंगले की मुँह दिखाई अब ज़रूरी है, उन्हें खुद ही अपने भव्य बंगले के दरवाजे दिल्ली की आम जनता के लिए खोल देने चाहिए और जो जनता है वो अपने जो है अपने घर आमंत्रित करे और खुद ही दिखा दे कि क्या क्या लगा है। इससे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, यानी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल का बचाव कर रही है। उनके हिसाब से केजरीवाल कुछ किया ही नहीं है, उनके हिसाब से सब कुछ सही है, केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, तो तरह तरह की बातें कही जा रही है। और यही कारण है कि सुधीर चौधरी खुद कह रहे हैं कि अब इनको अपनी बंगले की मुँह दिखाई करवा देनी चाहिए आम जनता के लिए, आप अपना बंगला जो है खोल दीजिए, वो खुद इससे पता लगा लेंगे कि क्या सारी चीज़ें हैं, अपना जो भव्य बंगला है उसे खोल दीजिए, उन्हें पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें सही और क्या गलत है। तो उन्होंने कहा कि ये भी पूछा उन्होंने कि अब अरविंद केजरीवाल के बंगले की आखिर मुंह दिखाई कब होगी, उन्हें कब जो है अपने बंगले का वो मुँह दिखाई करेंगे, जिस बंगले में 8-8 लाख के पर्दे, करोड़ों के मार्बल्स लगे हुए हैं, 2,60,000 का बिल आ रहा है, पोर्टेड लाइट्स लगे हुए, इंपोर्टेड वियतनाम से आए हुए मार्बल्स लगाए गए हैं, 25 लाख का गीजर लगाया गया है, साज और सजावट, दीवारों की सजावट में लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, 15 बाथरूम बनाए गए हैं, हर बाथरूम की सजावट में लाख रुपए खर्च किए गए हैं। तो ये जो आप कह सकते हैं कि जो घर है, जो आलिशान शीश महल है, उनका जो आवास है, जिसे कभी वहां पर एक जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हुआ दिल्ली की शीला दीक्षित, जिसे भ्रष्टाचारी, जिसे ये काफी कुछ कह रहे थे, उन्होंने महज जो है 1,00,000 रुपए जो उन्होंने बहुत कम में इसका रेनोवेशन जो है करवाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल 45 करोड़ रुपए का रेनोवेशन करवा रहे हैं अपने घर का। तो अब उन्हें भी केजरीवाल के घर की जो मुंह दिखाई है अब उन्हें खुद करवा देना चाहिए। केजरीवाल ने उन्होंने पूछा कि केजरीवाल आखिर लोगों को अब कब अपने घर बुला रहे हैं, उन्हें अपने घर बुलाइए, सब कुछ दिखाइए, केजरीवाल के घर पर कितने रुपए खर्च किए गए ये बता दीजिए और केजरीवाल के घर की मुंह दिखाई करवा दीजिए, हर चीज़ जो है साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल तो खुद को आम आदमी बताते हैं और इसके बाद खुद 8 लाख का पर्दा जो है जो उठा गया, तो भेद जो है खुल जाएगा, क्योंकि अपने आप को आम आदमी बताने वाले अरविंद केजरीवाल खास आदमी से भी ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी तो ये कह रही है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटायो, क्योंकि पर्दा जो हट गया तो भेद खुल जाएगा। और यही बात सामने आ रही है कि अगर जब कुछ है ही नहीं, अगर आरोप झूठे हैं, बातें झूठी है, नहीं पैसे खर्च किए गए हैं, और फिर कोई भी बात जो कि खबरों में चल रही है, तो इसे प्रूव करने के लिए अरविंद केजरीवाल अपने बंगले के दरवाजे खोल दे, अपना फाटक खोल दे और दिखा दे कि कुछ भी नहीं है। ये हिम्मत जो है उन्हें रखनी पड़ेगी, ये बताना पड़ेगा कि कुछ नहीं हुआ है, तो आप दिखा दो घर अपना खोल के, आप बता दो कि आपने जो है कुछ भी नहीं हुआ है, कोई चीज़ें नहीं की गई है। तो ये एक्सपेक्टेशन जो है अब रखी जा रही है, अब कहा जा रहा है कि अपने बंगले की मुंह दिखाई अरविंद केजरीवाल खुद करा दे तो बेहतर है, कोई परेशानी नहीं होगी। वही दूसरी तरफ जो दूसरा मुद्दा हम आपको बता रहे थे, वो दूसरा मुद्दा है न्यूज नेशन से जुड़ा हुआ। दरअसल न्यूज नेशन का एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर इस वक्त आम आदमी पार्टी द्वारा शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में उन्होंने, न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जिसने ऑपरेशन शीश महल से जुड़ी हुई एक भी वीडियो नहीं दिखाई, कुछ भी इन्होंने नहीं चलाया, कुछ भी इन्होंने नहीं बताया, उसको उन्होंने दिखाया ही नहीं, लेकिन उन्होंने लोगों के बाइक लेके रखी, ऐसे चुन चुन के लोगों के बाइक लेके रखी जिन्होंने ये कहा कि सीएम हाउस में अगर खर्च हुआ ही है
तो क्या हो गया, हम भी अपने घर में खर्च करते हैं, हम भी अपने घर में चलाते हैं, हम भी अपने घर में चीज़ें करते हैं। तो इनका ये जो एजेंडा प्रोपेगेंडा के तहत ये जो वीडियो इन्होंने प्री रिकॉर्ड करके रखा था वो उसे अब चला रहे हो। तो साफ तौर पर जहाँ पर ऑपरेशन शीश महल के तहत कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ न्यूज़ नेशन ये वीडियो चलाकर अरविंद केजरीवाल के CM की इमेज को जो है बेहतर कर रहे हैं। वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि टैक्स पेयर तो खुद ही कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तो BJP इसका मुद्दा क्यों बना रही है। यानी स्पष्ट तौर पर कहेंगे आप तो जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों के जवाब देने की हिम्मत अरविंद केजरीवाल में खुद तो है नहीं। खुद वो ना सामने आ रहे हैं, ना बंगले की मुँह दिखाई कर रहे हैं, ना बंगला दिखा रहे हैं। तो ऐसे में उनकी इमेज करेक्ट करने का ठेका जो है अब न्यूज़ नेशन को दिया गया, उसी न्यूज़ नेशन को जिसने खबर जो है ऑपरेशन शीश महल पर नहीं चलाई। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बेहतर CM है, 45 करोड़ का रेनोवेशन नॉर्मल रेनोवेशन है, इस तरीके के बाइट चलाकर उनकी इमेज को साफ सुथरा दिखाने और बनाने का प्रयास जोरों शोरों से न्यूज़ नेशन द्वारा किया जा रहा है। और इसी वीडियो को साझा करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने लिखा है कि दिल्ली की जनता कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जी हमारे लिए खूब काम कर रहे हैं, BJP दिन रात ड्रामा करने में जुटी हुई है। तो अब देखिए कि जब इस तरीके के वीडियो आती है, जब उस तरीके के नेता इसे लाइक एंड शेयर करने लगते हैं, तो आप समझ जाइए कि इनका एजेंडा और प्रोपेगेंडा के तहत जो ये वीडियो लिया गया है वो अब साफ तौर पर बेनकाब हो चुका है, जो यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रही है। अब आपको बता दें कि जो लोग तो अब इस पर कमेंट भी कर रहे हैं न्यूज़ नेशन के वीडियो में, एक व्यक्ति ने लिखा ये सही है तो मयाची करो और जनता को आगे कर दो, अब रेवड़ी सड़ा सा मुंह लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा, बोलेगा नहीं मैं ईमानदार और बाकी सब चोर हैं, ये आदमी काम ही थप्पड़ खाने वाला करता है। वहीं एक और व्यक्ति ने लिखा अब ये अफवाह कौन फैला रहा कि दिल्ली का CM बनने के लिए संजय सिंह ने ही सारे कागजात टाइम्स नाउ को दे दिए, केजरीवाल का काम लगा दिया, जैसे केजरीवाल ने सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का लगाया, कर्मों का फल है। वही आपको बता दें कि सिर्फ यही नहीं, कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि ऐसे जो है प्रायोजित वीडियो गुजरात में भी आपने बहुत चलाए, सीधे सीधे बताओ कि भ्रष्टाचार किया है या नहीं किया है, और अगर नहीं किया है तो नव भारत टाइम से जो वीडियो चला रही है, या फिर आज के वक्त में अगर आप देखेंगे सुधीर चौधरी भी सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बंगले का दरवाजा खोल दीजिए, बंगले को जो है लोगों की एंट्री दीजिए, आम आदमी पार्टी को इन्विटेशन दीजिए, बुलाइए आम आदमी को के अंदर जाए वो देखे आपका भव्य बंगला, अगर कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो ब्लैक एंड व्हाइट सब सामने आ जाएगा। तो यही चीज अब जनता भी कह रही है कि अगर गलत है झूठी है तो टच जाओ तुम नव भारत टाइम्स पर केस कर दो, किसी झूठे और मक्कार पर लोग भरोसा आखिर नहीं करेंगे। तो अगर आप सही हो, आप सच बोल रहे हो, आपने सब कुछ सही किया, आपने सब कुछ सच बताया है, तो आप ही बोल खोल दो, आप ही दरवाजे खोल दो, बंगले की मुंह दिखाई कर दो, लोगों को बता दो कि आप सही हो, सटीक हो, आपने कुछ नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है आपने, आप अपनी सच्चाई खुद बता दो, यहीं पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो अब देखिए किस तरीके से जब एजेंडा प्रोपेगेंडा के तहत जब कोई वीडियो चलाया जाता है तो जनता भी इस बात को समझती है कि कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है कंटेंट को, कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है चीजों को, और यहाँ पर भी यही चीज देखने के लिए मिल रहा है, प्री प्लान तरीके से इसे किया गया है ताकि इमेज जो है CM की उसे बरकरार रखा जाए, उसे ठीक रखा जाए, उसमें किसी भी तरीके का कोई दाग नहीं लगना चाहिए। तो ऐसे में आप देखिए कि एक तरफ है सुधीर चौधरी जो अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो में अरविंद केजरीवाल की पोल खोलते नजर आ रहे हैं और कई सारे सवाल भी दाग रहे हैं, कह भी रहे हैं कि अपने आलिशान बंगले को जनता के लिए खोल दीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि बंगले की मुंह दिखाई आखिर कब करेंगे आप, क्योंकि अब उसकी मुंह दिखाई तो अब जरूरी है, उन्हें खुद ही अपने भव्य बंगले के दरवाजे दिल्ली की आम जनता के लिए खोल देने चाहिए, वो जनता को अपने घर आमंत्रित करे और खुद ही दिखा दे और कहां क्या लगाए, इससे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। और अरविंद केजरीवाल तो खुद को आम आदमी कहते थे, कट्टर ईमानदार कहते थे, तो उन्हें ये दिखाने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ न्यूज़ नेशन है जो उनकी इमेज ठीक करने के लिए लगातार जो है अगर आप देखेंगे तो वीडियो चला रहे हैं, संजय सिंह उसको शेयर भी कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।